ऐसा लग रहा है पिछले 4 सालों में जिस तरीके की सिंचाई को लेकर या सब्सिडी को लेकर बातचीत होती रही है कितना, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा सिंचाई की एक व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये असलियत है कि सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो कागजों में ही होकर रह जाती है। जो बजट सिंचाई के लिए, नहरों को सफाईकरण के लिए जो एक अभियान चलाया जाता है, जो उसमें बजट पास होता है, वो पैसा सारा कागजों में ही रह जाता है, कागजों में ही सफाई होती है, मौके पे किसी की कोई सफाई नहीं होती है। दूसरा, बिजली के रूप में जो सिंचाई व्यवस्था हम लोगों की है, अपने पर्सनल जो अपने ट्यूबवेल है, बोरवेल है, उनसे हम जो अपनी सिंचाई की व्यवस्था करते हैं उसको लेकर भी अभी बिजली के इतनी, जैसे ही ये पीछे चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद ही बिजली की दरें बढ़ा दी गई। तो अगर बिजली की दरें बढ़ रही हैं तो उस पर भी किसान पे फर्क पड़ रहा सीधे सीधे। और ये जो आप कह रहे हैं सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल, आप इस चीज़ में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसको जड़ तक खोजिए। ये जो सफाई अभियान है नहरों का, वो कागजों में ही रह के सिमट जाता है, मौके पर कुछ नहीं होता। आप चाहें तो मैं आपके साथ चलने के लिए अभी तैयार हूँ। यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पर नहर है, उसकी हालत देख कर आपको पता चल जाएगी, पता नहीं कितने दिन से उस नहर की सफाई नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान परेशान है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पिछले 4 सालों में किसानों के लिए काम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के मंच पर भी बातचीत की जाती है वहां लगातार यही कहा जाता है कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, और अगर काम हुआ है तो वो कहाँ है। जिस तरीके से लगातार इन लोगों का भी कहना है कि काम तो जरूर हुआ है सरकार की नजर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर हुआ है, इन तक ये चीजें नहीं पहुंची है। सब्सिडी को लेकर कई बार सरकारें इस तरीके की बातें कहती रही है कि हम जो है सब्सिडी देंगे और किसानों तक वो सब्सिडी इस तरीके से पहुंचे। इस बार जो बजट आया उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिख रहा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है किसान विरोधी रही है। इसने हमेशा से ही जो है या तो उद्योगपतियों का पक्ष लिया है या जो बिजनेसमैन है उनका पक्ष लिया है। बाकी हम ये बिल्कुल स्पष्ट अपने नज़रिए से भी और औरों के नज़रिए से भी ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल किसान विरोधी है, ना तो बजट में कुछ है और बजट तो बिल्कुल ही नहायत किसान विरोधी है। और रही बात अभी हमारे जो सीनियर यहाँ किसान नेता थे, उन्होंने जो बताया कि भाई बिजली की दरें जो बढ़ गई हैं, वाकई में अगर मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई हम किसानों की आमदन दूनी कर दें तो ये बिजली फ्री कर दें, और जो हमारे ज़्यादातर व्हीकल जो है डीजल से चलते हैं, डीजल का बिल्कुल ही भाव इस तरह कंट्रोल होना चाहिए, या तो किसानों को विशेषकर किसानों को सब्सिडी दी जाए कि ताकि हम अपने जो है सारे संसाधन जो हमारे डीजल से चलते हैं उनसे हमें रिलीफ मिले। बिल्कुल। और रही बात, मैं थोड़ी सी एक बात और कहनी चाहूँगा, मैं गौतम बुद्ध नगर से आता हूँ, ये भूमि अधिग्रहण क्षेत्र है, यहाँ हमारा किसानों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, ना तो हमें जो सरकार द्वारा भी शासनादेश हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो हमारा 64% मुआवजा बनता है उसका भी आज तक हमें भुगतान नहीं हो रहा। तरह तरह से हम लोगों का शोषण है, जाते हैं प्राधिकरण में वहाँ भी वो लोग हमारे विरोध में ही बैठे हैं, चाहे वो मानसिकता मोदी जी की रही हो या योगी जी की रही हो। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों की नाराजगी और गुस्सा आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरीके की बातें हमेशा से कही जाती रही हैं शायद वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तभी ये तबका नाराज है, तभी अन्नदाता नाराज है।